हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और पिछले कल रात को मेरे को इतनी ज़्यादा दाढ़ में दर्द हुई ना, क्या बताऊँ मैं आपको, ख़त्म। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हुई ना, पता नहीं मेरे को हमेशा रात रात को दर्द क्यों होती है यार। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। सबसे बड़ी बात, मैं ना रूम में अकेले थी, तब्बू भी नहीं है, तब्बू गई है घर, और अब्बू तो पहले ही चला गया था घर, और अब भी आज मैं जा रही हूँ घर। तो मैं फटाफट से तैयार वगैरह हो जाती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे को तैयार होना था तो मेरे को यही रोना था, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। सच में मेरे पास कपड़े ही नहीं है यार, क्या पहनूँ मैं। चलो फटाफट से पहनते, नहीं तो फिर 8 बजे बस भी जाती है। अभी 7:06 हो गए हैं और मैं उठी हूँ, 6:02 हुए थे। तब से लेकर मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, तैयार हूँ थोड़ी देर से हूँ, मतलब इतनी आलस लग रहा है बस मुझे। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से तैयार वगैरह हो जाती हूँ, और घर क्यों जा रही हूँ वो आपको थोड़ी देर से बताऊँगी, या फिर चलते चलते जो भी रहेगा। पहले मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो फिर बस छूट जाएगी मेरे से। तो अभी टाइम हो गया है 7:40 हो गया, और मैं तैयार हो गई हूँ। और अभी मेरे को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और मैंने पहना है ये वाला सूट क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, खुला खुला। और मैंने ना जैसे लिया, मैंने इसकी फिटिंग भी नहीं करी, क्योंकि मेरे को ना खुले कपड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए, मतलब बहुत ज़्यादा खुला है। और बस जाती है 8 बजे, तो मुझे लगता है कि मुझे अब निकलना चाहिए फटाफट से, सारी रूमों की लाइट लगा के। और रूम ऐसा गंद फैलाई है ना, मैंने कुछ भी नहीं, मतलब झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं दिया, और सारे में से कपड़े कपड़े। जैसे ही आऊँगी ना तो उस दिन तो बहुत सारी सफाई करने को होगी, तो मैं फटाफट से जूते वगैरह लगाती हूँ और बैग लगाती हूँ, उसके बाद निकलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। और मैं, हाँ, मैं कुछ दिखाना दिखाने वाली थी आप लोगों को, तो अभी दिखा, मैंने सोचा चलो अभी दिखा लेती हूँ। तो ये देखो, जब ये देख रही हो ना, ये मैं अपनी मम्मा के लिए लेके आई हूँ एक बार आपको, क्योंकि मैं ना कल शॉप गई थी तो मेरे को वहाँ पर चूड़ियाँ दिखी, और मेरे को ये वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपनी माताश्री के लिए ले जाऊँ। तो मैंने 2 पेयर लिए हैं, मतलब 170 रुपये की इतनी सी चूड़ियाँ। सिर्फ क्या है, सिर्फ में चमक चमक ही है। आपको बैक कैमरे से अच्छी अच्छी दिखाती हूँ कैसी है। तो ये देखो, तो अभी पहुँचने वाली हूँ मैं बस स्टैंड, और टाइम हो गया है 7:49। वैसे तो बस 8 बजे जाती है, बट अब मुझे पूरा ध्यान ही 8 बजे जाती है कि 8 बजे से कहीं पहले तो नहीं जाती है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद इस बस में जा रही हूँ। तो फटाफट से चलते हैं। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं निथर, और ये रहे भैया लोग, चाचू वगैरह। और अभी करी हूँ मैं मम्मी पापा का वेट, क्योंकि यहाँ से आगे हम लोग कहीं और जाने वाले हैं अभी। तो बस मैं देखूँ मेरी हालत, मेरे बाल भी खराब और मेरी हालत भी खराब, और मेरे को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जाने से पहले हम लोग इसको दिखाएंगे पहले, वैसे तो मैंने इसकी फिलिंग करवानी थी, अब देखते हैं होती है कि नहीं। बहुत धूप है यहाँ पर। हाय एवरीवन, तो मेरा घर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक तो मेरे को दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी, मेरे को फिलिंग करवानी थी, क्योंकि जो निथर वाले भैया क्या लगते हैं वो अच्छी करवाते, तो मैंने सोचा यहीं करवाऊंगी निथर में। और जैसे मैं निथर आई, उसके बाद अभी देख रहे होंगे आप पीछे मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो मैं आई हूँ अपनी नानी के घर, क्योंकि यहाँ पर होता है कल मेला। और मेला, मेरे को ज़्यादा मेला आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर नाना थोड़े से बीमार है, उनको ना पैर में प्लस्टर लगाए, तो मैं सोचा चलो इसी वजह से मम्मी वगैरह भी आ रहे थे, तो मैं सोचा चलो मैं भी चल पड़ती हूँ उनसे, नाना से भी मिलूँगी, नाना नानी से। और मामू भी बहुत इनसे बोल रहे थे कि आजा आजा करके, मामू मामी बोल रहे थे कि आना करके, तो मैं सोचा चले जाते इसी बहाने से मेले के बाद। मेला तो कल है और यहाँ पर आज मैच है, तो अभी हम लोग थोड़ा मैच वगैरह देखेंगे। और अभी मैंने दवाई खाई है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि कल आना, क्योंकि इसमें 1 घंटा तो लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा इसमें फिलिंग करवाने के लिए, और 3 बार आना पड़ेगा, कुछ ऐसा बोल रहे थे वो। तो मैं सोचा चलो अभी आज के लिए दवाई दे दो, कल करवा दूँगी। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, मम्मी वगैरह सब लोग चले गए हैं, तो
तो मिलते हैं अब आपसे ऊपर, और थोड़ा बहुत सा दिखाएंगे आपको जो भी रहेगा आज के ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपसे बाद में। डाटू करो सीधा। ये मेरी नानी। ये मेरी नानी। और आज आए हैं हम अपनी नानी के घर, क्योंकि यहाँ पर है कल मेला है। तो ये है मेरी नानी का गांव, छोटा सा गांव देखो। और यहाँ पर देखो मैच लगे हैं, और यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत सी दुकानें पड़ी है। वैसे मेला वहाँ ऊपर होता है, इधर कहीं होता है मेला, कल मैच यहाँ पर होते हैं। भी मस्त बैठे है, गप्पे मारे अपने, और आंटी भी है। और जब हम छोटे होते थे तो इधर बहुत ज्यादा खेलते थे हम लोग बचपन में। बहुत ज्यादा आती थी मैं अपनी नानी के घर, मतलब आधे से ज्यादा टाइम तो मैं इधर ही रुकी रहती थी जब छुट्टियां होती। तब्बू से हाय। खेला जा रहा है जिसमें कि एक सेट से लीड कर रही है शिमला की टीम। इसी बीच अभी के ये मेरी मामिया, से हाय। ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरी छोटी मामी है। मामी हाय करो, हाँ आप करो हाय। चलो हाय कर दो मामू, से निवेदन हाय करो। हाय करो, क्या कर रहे हैं आप लोग? मिन बोटल बोटल हो गया, चश्मा क्यों लगाया हुआ? नमस्ते मामू। महिला मंडल हनी की रोशन का स्वागत होता है। मदन मेहता जी रिटायर्ड भी है और फोरम में काफी अपने इस मह में क्या हुआ? आप वॉलीबॉल खेल रहे थे तुम जब आपने अब ये पहुंच रहे आज कल आपका पेट घटा। तो अभी टाइम हो गया है 12:30 का, और मैं अभी आई हूँ नीचे घर, मतलब नानी के घर, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम था और मेरे को दांत में दर्द भी उठी, तो मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ली। अभी वैसे वहाँ पर मैच वगैरह लगे, वैसे भी मेरा मैच देखने का कोई मन नहीं था कि मैं मैच देख जाऊँगी स्पेशल, मम्मी वगैरह आ रही थी तो मैंने सोचा कि घर मैं कैसे जाऊँ। फिर पापा वगैरह भी आए, तो फिर नाना भी मां थे, तो उस चक्कर में को था कि मेरे को नाना से मिलना है, तो मैं इधर ही आ गई इनके साथ। कल जाएंगे हम घर या फिर शाम को जाएंगे, तो चलती हूँ अब ऊपर, थोड़ा बहुत सा देखते हैं मैच, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और दांत दर्द इस सेमीफाइनल मैच में टॉस मंगवाए एटीघाट चूज साइड, दूसरी टीम है हारमोनी रूल। कोटीघाट टीम भी काफी शानदार टीम है, हेलो रेड देखते हैं अपनी टीम के लिए किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। इसी बीच हल्के हल्के दर्शक भी आज काफी अधिक संख्या में इस खेल परिसर में। इसी बीच वहां पे उन्होंने अपनी अमन ने स्पीड बढ़ाई थी रेडी में अरुण को। बलवीर चौहान रिटायर कैप्टन, इन्होंने पोर्सन कल्चर क्लब प्ले के लिए 3,000 रुपए की राशि दी अमन का तहे दिल से पूरी जी को सम्मानित कर रहे हैं। पोर्ट क्लब नहीं
पकड़ो 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 आपने गलत बजा दी चक्षु अभी तक अपनी टीम को बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए हैं वहाँ पे तो तालियां बजाया कर जब टच करती हाथ कर सीधा सीधा कर नहीं तो गया तू दे उलगे कमेटी के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया है इसके बाद मिस्टर शिव कुमार आप ही आए और कमेटी की तरफ से छोटे से भूमिक को स्वीकार करें वाले मेरे जय महाराज मालक तो भी गाइडा यार जो ये वाली टीम है ग्रीन ड्रेस वाली ये है घरोली और जो वाली है पर्पल वाली वो मिस्टर है संतोष पानी की व्यवस्था करते हैं प्लीज एक दो बॉटल पानी की तैयार रखें बाहर कर ले किसी को बच्चा बीच में आ रहा है जो ये वाले ये हमारे गांव के और जो दूसरे है वो और गांव के काफी शानदार मुकाबला छोड़ी ऐसी खिलाड़ियों के हौसले बजाई करते रहे यस हमारे गांव वाले जीत गए टीम गरोली और जो ये वाली टीम हमारे गांव की है तो इनका कंपटीशन इतना हो गया था कि बीच से रस्सी टूट गई है और अब देखते हैं कौन तो अभी हम लोग बैठे और बाहर हो गई है रात और पापा चले गए वापस घर मम्मी मैं तब्बू अब्बू हम लोग रुके आज क्या हुआ जो ये मेला है ये मेरे ननिहाल में होता है मेरे नानके में होता है तो इसीलिए हमारा था कि आज हम यहीं रुकेंगे मुस्कान आजा अंदर तो मैं बता दूं कि जो ये मेला है जो भी था ये मेरे मामू के घर में होता है मतलब मेरे ननिहाल में होता है और सारे यहाँ पर मेरे मामू मेरी मामी नाना नानी सब लोग मिले तो बहुत अच्छा लगा और जैसे मेरे को ना अपने जो मेरा ननिहाल है ना मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है यहाँ से क्योंकि मैं ना छोटी थी तो बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर मेरे को अभी भी बहुत अच्छा लगता है बट अब आना थोड़ा कम होता है बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने ननिहाल आके तो अभी नाइट फंक्शन भी हो रहा है नाइट फंक्शन में पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे दम्बू तो जा रही है बट मेरे को दर्द हो रही तो मैं नहीं जाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो कार्ड में यही करूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अगर मैं नाइट फंक्शन में नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा अगर गई तो वैसे कल यहाँ पर मेला भी होता है बट यहाँ पर नहीं मेला थोड़ा ऊपर होता है बट हम मेले में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मेले में जाने का बस यहाँ तक आए वो ही काफ़ी था क्योंकि मामू वगैरह भी बोल रहे थे कि आना आना मामी वगैरह किया उफ नानी भी फिर नाना की पैर में लगी थी तो उस वजह से मामू था कि चलो नाना से मिल ही लेंगे बहाने से तो इस वीडियो का यही करी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अभी ना मैं नानी वगैरह के रूम में बैठी हूँ क्योंकि सब लोग किचन में बैठे तो मैं यहाँ पर मेरे को बचपन में मैं यहीं सोती थी जब मैं आती थी ना नानी के घर बचपन के दिन याद आ गए मेरे को अपनी नानी वाले घर के जब मैं बचपन में थी ना छोटी थी जब मैं आती थी बहुत तो मैं अपनी नानी वाले इसी वाले रूम में सोती थी और मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं और कई बार तो ना हम लोग यहाँ जो ये अलमारी देखते हैं ना इसमें छुपे होते थे हम लोग खेलने के लिए कि हमारे को ढूंढो तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं यहाँ से बहुत पुरानी याद पुरानी यादें ताज़ा होगी यहाँ की मेरे को
तो मैं सोच रही हूँ आज के लिए बहुत हो गया, तो मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मम्मी मम्मी आज यार आइसक्रीम खाने की आ रही है, मम्मी से हाय, मम्मी से हाय, पर मम्मी हाय करो, मम्मी पर हाथ से करना, मम्मी से हाय। ये रही मेरी माता जी, इनको हर काम में आलस लगा होता है ना मम्मी। अब मम्मी के साथ, मम्मी के साथ बहुत खप होगी, मम्मी ने मेले के लिए सूट सिलवाने दिया था, वो भयाना सिला ही नहीं। मेरी बैग में डाल, मम्मा बहुत जगह है इसमें। ये किसके कपड़े इसमें? ये डाल दो इसमें, ये लगा वो बिके दूर अंदर नहीं। मम्मी मैं तो जा रही नाइट फंक्शन में, आप जा रहे? हम जा रहे हैं मम्मी, आप जा रहे? पजामी नहीं है इसके साथ, देखिए देखो मेरी बैंक मम्मी, उन्हें घुसती गंदी कहाँ है, घर में हो।